रोज। राम राम जी, आप सब कैसे हो? ठीक हो? अरे तुम्हें पता नहीं था, क्योंकि हम खुद ही थोड़े से परेशान चल रहे हैं, लेकिन मुझे अब जाके पता चला है, एक दो दिन में पूरा अच्छे से पता चला है, जो आप सबको ही पता होगा, अच्छे से पता होगा कि कोलकाता में क्या हुआ है। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि हम इंसान की दुनिया में रह रहे हैं कि जानवर की दुनिया में रह रहे हैं। जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं जैसा इंसान ने किया है। वहाँ हुआ है और यहाँ पे हमारा खुद का रुआ मतलब कि खड़ा हो रहा है, मतलब खाली सुन के, बस देखा कुछ नहीं, सुन के फील करके, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं और लड़की का दर्द सिर्फ लड़की समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता। समझ नहीं आ रहा है हम क्या बोले। एक लड़की जो शुरू से पता नहीं कितने नजरों से, पता नहीं कितने दिमाग से, पता नहीं कैसे कैसे करके पढ़ती है, बिल्कुल गरीब फैमिली से थी, मतलब मैंने पूरा सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ देखा, बिल्कुल गरीब फैमिली से थी। पता नहीं कैसे ही, मतलब उनके मम्मी पापा ने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, और डॉक्टर की पढ़ाई की होगी, और डॉक्टर की पढ़ाई कितनी महंगी होती है ये सबको पता है। सारा स्ट्रगल करा, सब कुछ मेहनत करा, पढ़ाई करा, लिखाई करा, पास हुआ, सब कुछ करा। उसने सोचा होगा चलो अब तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, सभी इसी उम्मीद में सब कुछ करते हैं। इतना सब कुछ करके एक ट्रेनिंग के लिए बहुत मुश्किल से उसको ये मिला होगा, हम वो चीज़ फील कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग कर रही थी वो सिस्टर हमारी, और उसका नाइट ड्यूटी था। नाइट ड्यूटी मतलब कि रात में काम करना, मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब उतना तो ना जो जानवर होगा ना वो भी नहीं करेगा, उतना वो भी नहीं करेगा जितना ये मतलब हुआ है, जितना मैंने देखा है ना, मतलब हम बता रहे हैं, हमारा रुआ एकदम ना कांपने लगा है, मुझे डर लगने लगा है कि हम लोग कहाँ सेफ हैं, कहीं सेफ नहीं है, फिर तो कहीं भी सेफ नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल था जहाँ पे वो अपना डेली आती थी, डेली काम करने के लिए सब कुछ था, वहाँ पे आना जाना था उनका, वही था, लेकिन जब वो वहाँ पे सेफ नहीं है, मतलब फिर हम लोग कहाँ सेफ हैं। और वो आई थी अपना काम करने के लिए, अब वो काम हम करके सारा सब कुछ करके मस्त खाना खाया आराम से, और शायद आराम कर रही थी, चलो अब तो काम हो गया, अब तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन 40 मिनट में उसको वो दर्द मिला कि कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब हड्डी टूट गया, आँख फूट गया, और आँख में से इतना ज़्यादा खून, मतलब कोई यहाँ पे एक हल्का चोट लगता है इतना तकलीफ होता है, और वो इस इंसान ने आँख फोड़ दिया, हड्डी तोड़ दी, पैर का हड्डी तोड़ दिया, पता नहीं कितने जख्म, पूरा जख्म, मतलब वो लड़की जो सब 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 सबको बचाने के लिए खुद इतना मेहनत से पढ़ी लिखी सब कुछ करी, और उसी के साथ ने उसी मतलब वो तो इंसान के लिए ही सब कुछ करा होगा, चलो अच्छा हम बन जाते डॉक्टर, सारे जो भी इंसान होंगे वो करेंगे, लेकिन जिस इंसान के लिए इतना पढ़ी थी, स्ट्रगल की, सब कुछ की थी, उसी इंसान ने 40 मिनट में उसे वो जख्म दिया कि सोच के बाहर है, कहीं 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 का एरिया सेफ नहीं है, लड़की होना ही पाप है का। उसे इंसाफ तो मिलना चाहिए। बस शुरू से सब लोग सिखाते हैं लड़कियों को, अच्छा कपड़े पहनो, अच्छा सब कुछ करो, ये करो वो करो, ऐसे दुपट्टे लो, ऐसे किसी से बात मत करो, ये सब सिखाया जाता है। अपने बहन के लिए सब लोग बन जाते हैं शेर, और दूसरे बहन के लिए बन जाते हैं लोग, पता नहीं क्या ही बन जाते हैं, क्या ही बोले हम, समझ नहीं आ रहा है। प्यारी सी लड़की थी, बहुत सारे सपने थे उसके भी, बहुत ही स्ट्रगल करा, और लास्ट में उसे क्या मिला, जानवरों से बदतर मौत।
हम लोग कहाँ जाए, मतलब समझ नहीं आता, मतलब कहाँ हम लोग सेफ हैं। और हमारा अभी हिम्मत छूट रहा है, हम तो यही कहेंगे जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, किसी पे विश्वास मत करो, किसी पर भी विश्वास मत करो, खुद आपको खुद सेफ रहना पड़ेगा, खुद से अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। अगर हमें सोच रहे हैं नहीं ये है हमारा, ये है फ़ोन करेंगे, ये कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, अपना सेफ्टी अपने हाथ में। जब से ये हुआ है तब से ना हमने खुद को वो करा है, और सुनी को भी मैंने समझाया बहुत कुछ, क्योंकि जब से सुनिए। हाँ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ख़राब लगा था ना, ये होता है किसी एक शराबी के कारण, पता नहीं कितने लोग थे क्या थे। अब तो कोचिंग जाने में सुबह डर लगता है। कहें रो वाला के पागल लड़की, रोवा लगे। अरे हाँ महीना, ये पता नहीं क्या सोच के रो रही है, एक गलती सारे के सारे लड़कियों के अंदर ना डर बैठ गया है। छोटी सी अभी बहन है, पता नहीं क्या ही सोच के मतलब रोने लगी। चांद, अरे यार हाँ मैं हम चला गए कोचिंग छोड़ा यार, तो चुन्नी मुन्नी अब तो कुछ ना हो गई, तू कुछ बोलो लगा नहीं ना, तब चलो हो जाओ जाओ बापू आओ ना, हाँ जो ना भी था इनमें ला दो है, उठा 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 चलो चलो। और वैसे भी हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं क्योंकि पैर में चोट लगा है हमारे। और आपको पता है एक बात बता रहे हैं आपको हम, मतलब ऐसे ही मतलब ठंडी का टाइम था, और मतलब कि हमारे घर पे लगभग उस टाइम अंधेरा हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था। उस टाइम खाना ना बनना था, टाइम मुझे याद नहीं है। उस टाइम कोई इंसान आया था, लगभग उसका एज 40 बैल्स ऐसा कुछ था। वो ऐसे ही मतलब बैगों को लेके आया, बैगों को टांग के, और शायद उसने ड्रिंक भी कर रखा था, मतलब ड्रिंक पी रखा था, और ऐसे ही घर के बाहर आया। फिर पापा से बोला कि पूजा गुप्ता घर आ, तो बोला हाँ ये तो घर उन्हीं का है। फिर वो इंसान बोल रहा है कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं। अब है नहीं है मुझे नहीं पता, हम कुछ बता नहीं सकते। फिर उन्होंने बोला कि हम उनके सब्सक्राइबर हैं, तो हम बाहर निकले घर के, मैंने उस टाइम हम वीडियो नहीं लिए, मुझे मुझे खुद वो नहीं था कि हम ले ना ले, क्योंकि ना हम भी बहुत सीधा दिमाग है, सीधा बुद्धि है, सब इन इन सब चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत तो बनाना पड़ेगा ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं। फिर मैंने उनको बाहर बाहर ही बिठाया, क्योंकि मुझे ना स्मेल लग गया था ड्रिंक का, मैंने उनको बाहर बिठाया। और बाहर बिठाने के बाद पानी नहीं दिया, पानी नहीं देने के बाद मेरा इच्छा नहीं हुआ कि उनको हम घर के अंदर बुलाए। भले रात था लेकिन मेरा जो दिल था ना बिल्कुल मतलब सात 7:30 होते थे। हाँ एग्री करा ही नहीं कि उनको हम रोके या फिर बोले कि आप अंदर चलो, मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मेरा अंदर से ना मन हुआ ही नहीं। चेहरा देख के ना एकदम अजीब सा लग रहा है, एकदम होता नहीं थोड़ा सा एकदम एकदम थोड़ा सा डरावना टाइप का, ऊपर से ड्रिंक करके कहाँ कहाँ से वाला कैसे घर में अंदर। हाँ बस बस ऐसे ही बोल दिया सब्सक्राइबर, ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा मतलब जो होते हैं सब्सक्राइबर जो हमारे बहुत बहुत अच्छे हैं, उनसे डेली बात होता है कमेंट के थ्रू, एक वो आते शाम को तो समझ में आता है। ऐसे कोई बिना बिना हल कोई भी कांटेक्ट कोई भी कुछ नहीं, ऐसे आके सब्सक्राइबर वो ड्रिंक करके मेरा दिल अंदर से कठोर करके मैंने बोला ठीक है सचिन ठीक है राम राम, ऐसे बोल के हम अंदर आके कबाड़ी बंद कर दी। मेरा हिम्मत हुआ ही नहीं कि घर के बाहर अंदर एंट्री करे, ऐसी बात है। कहाँ सुतावा कर, घर में सुतावा बाहर नहीं, घर हो जाएगा घर में तो सुताओ, मतलब घर में तो कोई सुनाने का बात ही नहीं होता, क्योंकि वो पी के रखे थे और कोई भरोसा ही नहीं था। मैंने ऐसे ही कर दिया, ऐसा ही बोलता। कुछ लोग ना ऐसे भी आते हैं, हम कैमरे में नहीं लेते क्योंकि मुझे खुद डर लगता है।
और यहाँ तो पता नहीं मेरा पैर ही फूल गया है। हम तो पैर ही लेके अपना पर्स आना है, इतना सारा फूला है। अरे ऊपर से मक्खी बैठती है यार बाहर, अगर हमारी लड्डू हमको पढ़ा रही है वो भी उसी का पढ़ा दू बायो बायो जो कि हमारे समझ के बाहर है। सिर्फ पढ़ाओ इनका को समझा रही है कैसे कैसे क्या पढ़ाई होता है। तभी का आया काम पर से, इतने लेट क्या हो बच्ची? चिड़ी और नमक मिर्चा आप सभी खाना खा लो। हम ठहरे नीचे और बाकी सब का छत पे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और इसलिए सब लोग गए नीचे, और हमारे पैर में चोट लगा है हम तो चल नहीं सकते इसलिए हमें नीचे ही हैं। और आज का वीडियो ना एडिट करने में ना बहुत मतलब एकदम मन उदास हो गया है, क्योंकि ना लाडो को रोता हुआ ना कभी मतलब किसी को भी रोता हुआ देख नहीं सकते हम। ऊपर से जिनके साथ भी ये हुआ है पता नहीं उनकी माँ कैसे मतलब। राम राम जी।